shimmy, shimmy, yeah. We could unwind if you just let me. Shimmy, shimmy, yeah. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy, shimmy, yeah. Our dreams in the air, now let's move. Shimmy, yeah. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ होंगे। मैं यहाँ पर ठीक ठाक हूँ और आज है संडे, अभी और टाइम हो गया है। मैंने सब घर का काम ख़त्म करके पूजा करके अभी आई हूँ और आप लोग को मुझे, आप लोग शायद मुझे ऐसे गेटअप में देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, बट ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा चेंज भी अच्छा लगता है और आज मूड भी ठीक है। चलिए आप लोग के साथ थोड़ा बातचीत करते हैं, मन हल्का करते हैं। सो ये आप लोगों को जैसे मैंने बताया, संडे सैटरडे संडे जब चला जाता है, मंडे बोरिंग सा फील हो जाती है, बट ये अपकमिंग वीक में मेरा बहुत कुछ प्लान है। जो जो करूँगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो वो तो देखेंगे समय, मैंने वीक आते आते सब आप लोगों को पता चल जाएगा। सो एक्चुअली आज मैंने बनाए थे कुछ सुबह, वो रेसिपी का थोड़ा सा क्विक रेसिपी है, ज़्यादा इन डिटेल्स में नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को। सो क्विक रेसिपी जितना ही सूट किया आप लोगों को दिखा दूँगी। और आज चेलो कबाब बनाई थी, आप लोगों को पता होगा चेलो कबाब बहुत एक बहुत टेस्टी एक डिश, एक फुल फ्लेजर्ड मील है। उसमें आता है बटर राइस, उसमें आता है सिक कबाब, देन आता है कबाब्स नॉर्मल कबाब, देन एक पोच आता है, देन उसमें आता है क्यूक्यूम्बा, देन आता है बटर में थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ टमाटर। सो ये बहुत एक ब्यूटीफुल सा एक्चुअली मील है। जो लोग खाए हैं उन लोग को शायद पता होगा, मैंने मेरे जो किचन चैनल है उसमें उसका पूरा डिटेल्स दिखाऊंगी, कभी भी आज शूट नहीं किया। सो ये था उसके साथ साथ आप लोगों के लिए क्विक रेसिपी बोली, जैसे वो थोड़ा सा क्लिप अटैच कर दूंगी। और कल का दिन बहुत अच्छा था, कल 2 साल के बाद हमारे कैंपस में थोड़ा सा एग्जीबिशन स्टॉल था, पूरा दिन और रात, मॉर्निंग 9:30 से स्टार्ट करके रात को 9 बजे तक स्टॉल्स था और बहुत अच्छा लगा। पुराना दिन याद आ गया। हम लोग हमारे कैंपस में सब हर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, कोविड के वजह से सब कुछ थम गया था, जैसे अच्छा नहीं लग रहा था। सो कल स्टॉल हुआ था, मैंने उसका सब क्लिप्स, कुछ क्लिप्स शूट करके रखी हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देख के। दिन का कुछ क्लिप्स है और रात का भी नाइट व्यू कुछ है। सो आप लोगों के लिए अटैच कर दूंगी ये ब्लॉग में, आप लोगों को आशा करती हूँ बहुत पसंद आएगा। चलिए वो सब देखते हैं रेसिपी, रेसिपी के बाद हमारा एग्जीबिशन स्टॉल। सो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आप लोग मेरे साथ बने रहना, मेरा ताकत बनना और मुझे आगे ले जाने के लिए हरदम मेरे साथ साथ रहना। चलिए फिर मिलते हैं अगले और एक ब्यूटीफुल सा वीडियो के साथ। आज के लिए उतना ही, आप चलिए हम लोग अभी एंजॉय करेंगे रेसिपी, उसके बाद हमारा कल जो हुआ था कैंपस में स्टॉल्स वो सब दिखाओगे। आप लोग शॉपिंग करेंगे? हो ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे हम लोग। चलिए ओके, वर्चुअल शॉपिंग भी हो जाएगा, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं किचन में आप लोगों के साथ एक झटपट सा रेसिपी शेयर करने के लिए। ये अभी कढ़ाई में मैंने ऑयल ली हूँ, सनफ्लावर ऑयल, वो गर्म होने के बाद इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, ये है सोया चाप। सोया चाप आप लोगों को मिल जाएगा, अमेजन में भी मिलता है और पैंट्री, कोई कोई पैंट्री में भी ये अवेलेबल है। सोया चाप को निकाल के हम लोग एक्चुअली उसमें एक आइसक्रीम स्टिक दिया जाता है बीच में, मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप दिखा नहीं पाऊँगी, शॉर्टकट में बताऊँगी आपको। वो सोया स्टिक को सोया चाप के अंदर से स्टिक को निकाल के उसको मैंने कट की हूँ, कट करके मैंने इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली ये सोया चाप को कच्चा भी कोई कोई मैरिनेट करके सोया चाप का डिफरेंट रेसिपी बनाते हैं, इसमें हम ग्रेवी टाइप का रेसिपी भी बना सकते हैं और ड्राई टाइप का रेसिपी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक्चुअली तंदूरी सोया चाप। देखिए ये है वही सोया चाप जिसको मैंने जो स्टिक निकाल दिया, और मैरिनेशन में आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। मैरिनेशन के लिए ऑलरेडी एक मसाला मैंने रेडी करके रखी थी जिसमें मैं यूज कर रही हूँ तंदूरी चिकन मसाला, कर्ड
कर्ड, देन हम लोग इसमें यूज करते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी, देन हाफ टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, देन मस्टर्ड ऑयल, लेमन जूस, इस सबको मिला के मैं एक पेस्ट बना के रखती हूँ जो तंदूरी आइटम में मैं यूज़ करती हूँ मेरा किचन में। इसमें हम तंदूरी चिकन भी बना सकते हैं, तंदूरी आलू भी बना सकते हैं, तंदूरी गोभी भी बना सकते हैं एंड तंदूरी सोया चाप भी बना सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप मैं मेरा किचन चैनल में देखा ही हूँ कैसे तंदूरी मसाला बनाते हैं, बट जो मेन इन्ग्रेडियंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी वो जो सोया चाप को फ्राई होने के बाद निकाल के मैं मैरिनेट कर रही हूँ। इसको कच्चा भी कोई कोई, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, कच्चा भी कोई कोई मैरिनेट करते हैं, बट इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके ऊपर एक क्रस्ट आ जाता है, उसके बाद हम इसमें मसाला डाल के इसको मैरिनेट करके 1 आवर तक छोड़ देते हैं। मैरिनेशन के ऊपर आप लोग थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए थोड़ा सा फाइनली चफ्ड कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, उस 1 आवर के बाद जब मसाला पूरा इसके अंदर घुस गया है अच्छा से पोर में, ये बहुत ज़रूरी होती है, इसके लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ता है। उसके बाद मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया, उसको हम सालो फ्राई करेंगे। तो 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने हार्डली इसमें यूज की हूँ। उसके बाद एक एक करके सोया चाप को मैंने इसमें डाल दी हूँ। आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, जब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ इसमें से जो खुशबू निकल रही है ना, वो मैंने रियली, मुझे अभी भूख लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू है ये मसाला का। मैंने जैसे बोली कि मैंने मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ ये मसाला का, गोभी में, आलू में, सोया चाप में, आप सोया नगेट्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। एक एक करके गोल्डन ब्राउन करके हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद मैंने जैसे आप लोगों को बताई थी, मैंने इसको एक वायर मेस के माध्यम से डायरेक्टली गैस फ्लेम के ऊपर चार्ड कर देती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, जब इसको मैरिनेट करके रखते हैं, वो दिखाने के लिए मैंने आप लोगों को भूल गई, उसमें थोड़ा सा चारकोल लेके और उसमें थोड़ा घी डाल के आप स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। सो हमारा सोया चाप, तंदूरी सोया चाप रेडी है। अभी मैं यहाँ पे चिकन करी बना रही हूँ, हल्का सा चिकन करी आलू दे के, जो हमारे ईस्ट बंगाल और उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में फेमस है। अच्छा लगा तो ज़रूर आप आपके किचन में ट्राई करना। फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी आके पहुंची हूँ मैं हमारे रेसिडेंशियल कैंपस के नीचे। आज मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन है, पता है क्यों? आप मुझे बता सकते हैं ये क्या मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को? ये है हमारे स्टॉल, कुछ एग्जीबिशन की स्टॉल्स लगाई हुई है हमारे कैंपस में आफ्टर 2 ईयर्स। इतना मज़े हम लोग किया करते थे कोविड एरा से पहले, इतने सारे फेस्टिवल हमारे कैंपस में सेलिब्रेट हुआ करता था, इतने सारे एग्जीबिशंस हम लोग हमारे कैंपस के अंदर चलता था, हर कोई वीकेंड में हम लोग के कैंपस में कुछ ना कुछ एग्जीबिशन चलता रहता था। ये स्टॉल्स आज लगा हुआ है, आज मेरा मन बहुत खुश है, बहुत सारे लोग नीचे आए हैं स्टॉल विजिट करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। मैं भी आ गई हूँ, आके मैं बेडशीट देख रही हूँ। एक्चुअली मेरे घर में जो बेड है उसमें सुपर किंग साइज का बेडशीट चाहिए होता है, जो 108 सेंटीमीटर बाई 108 सेंटीमीटर होता है, जुम्बो साइज बेडशीट मेरे को चाहिए होता है, क्योंकि जो नॉर्मल किंग साइज का बेडशीट है 180 बाई 90 सेंटीमीटर, वो मेरे बेड में होता नहीं है और मेरा वीकनेस है बेडशीट खरीदना। सो ये बहुत अच्छे क्वालिटी का कॉटन बेडशीट से उसको मैच करके ये वाला सब क्विल्ट है या दोहर भी है कुछ। सो आप लोगों को उसका ग्लांस थोड़ा दिखा दिया। आदित्य यहीं पर है, हम लोग थोड़ा जा रहे हैं, एक पतंजलि स्टोर है हमारे कैंपस के अंदर, वहाँ से कुछ सामान खरीदने का था। सो हम लोग गए हैं वहाँ पे, जा रहे हैं अभी वो सब चीज़ खरीदने के लिए। थोड़ा सा वेजिटेबल शॉप में भी जाएंगे हम लोग, बट मेरा मन नहीं हो रहा है ये एरिया छोड़ के जाने के लिए। थोड़ा सा ग्लांस आप लोगों को दिखा रही हूँ, कैसा लगा हमारा कैंपस का ये नज़ारा, और इसको हम लोग इतना मिस करते थे। मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ अभी बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग ये चीज़ मिस करते थे। अभी भी देखिए स्टॉल खाली है, हम जो कोविड का
प्रोटोकॉल फॉलो करके नीचे आए हैं, सब मास्क ऑन है और एक स्टॉल में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। आप लोगों को इसलिए मैं पिक्चर के माध्यम से दिखा रही हूँ, देखिए स्टॉल कितना खाली खाली लग रहा है। नॉर्मल टाइम होता तो एक एक स्टॉल में 50 जैसे लोग हुआ करते थे खरीदने के लिए सामान। अभी ईच एंड एवरीबडी इज़ केयरफुल। आप लोगों को लग रहा होगा कि कोविड अब तक ख़त्म नहीं हुई है, हाँ नहीं हुई है, फिर भी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। हम लोग प्रिकॉशंस लेके और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके ये सब कर रहे हैं। धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। देखो बच्चों को, बच्चों का एंटरटेनमेंट के लिए ये किया गया था, मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट कर दिया। आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिएगा। हमारे हरा भरा कैंपस में ये सब लोगों का इतना जो खुशी का चेहरा है वो मेरी खुशी को दोगुना कर देती है। एक्चुअली बहुत मज़ा आता है। हमारे कैंपस हर टाइम में बच्चों के किलकिलाहट और लोगों का जो बुज़ुर्ग लोगों का वॉक और लोगों का बातचीत में भरपूर रहता है। जब ऊपर मन नहीं लगता है मेरा, मैं नीचे आ जाती हूँ, वॉक करती हूँ और हनी को लेके आती हूँ, हनी को वहाँ पे वॉक करवाती हूँ। हनी भी उसके फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलती है। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल सा एक ये बनाया गया है, तो आप लोगों के लिए मैंने इसका क्लिप भी ले ली। आशा करती हूँ ये वाला नज़ारा देख के आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ये जो शूट का बैलून शूट करने का ये है, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं और एक्चुअली आज ऐसा मन कर रहा है कि मैं ऊपर ना जाऊं, यहाँ पे खड़ी रहूं और बस मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करूं। बोलिए कौन किस किस का रेसिडेंशियल कैंपस के अंदर ये सब चीज़ होता है। बहुत बेंगलोर में बहुत जगह में होता है। सो इसके बाद हम घर चले गए। अभी शाम है, शाम को मैंने और एक बार ये वाला स्टॉल विजिट करने के लिए आई हूँ। ये जो पर्टिकुलर स्टॉल है इसमें से कुछ कुछ सामान हम लोगों ने खरीदे। देखिए जो लाइट दिखा है वो मैजिक लाइट है, उसको अंधेरा में रखने से उसमें एक सेंसर है। आप जब सपोज़ आपका बाथरूम पूरा डार्क है, उसमें आप लाइट को फिक्स कर दिए, जब आप रात को बाथरूम यूज़ करने के लिए अंदर जाओगे लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, फिर 10 सेकेंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। वहाँ से मैंने एक मैजिक कपड़ा भी खरीदी। वो मैजिक कपड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको बाहर से वो गीला जैसा दिखता नहीं है, बट आप जब कोई पानी गिर गया, कोई प्लेटफॉर्म का मतलब किचन प्लेटफॉर्म आप लोगों को क्लीन करना है या आपको को बाथरूम का जो बेसिन एरिया क्लीन करना है वो क्लॉथ देके क्लीन कर दोगे तो पूरा पानी वो ऑब्जर्व कर जाता है। सो थर्ड चीज़ मैंने यहाँ से खरीदी एक हॉट वाटर बैग। वो हॉट वाटर बैग को हॉट एंड कोल्ड बोथ के लिए आप लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हॉट ट्रीटमेंट चाहिए गर्म पानी उसमें डाल दीजिएगा, जब एंड उसको यूज करिएगा, जब ठंडा ट्रीटमेंट चाहिए उसमें आइस क्यूब डाल दीजिएगा और उसको यूज करिएगा। ये बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली नीचे आई थी ये सब देखने के लिए। यहाँ मैं आप लोगों को एक पेंटिंग दिखा रही हूँ। बेसिकली नीचे आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ शूट करने के लिए। हमारा क्या क्या सब स्टॉल है, क्या क्या सामान यहाँ पे रखा हुआ है वो सब आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए कितना सुंदर ये पेंटिंग है, बहुत कॉस्टली है ये पेंटिंग एक्चुअली। वो सब हैंड मेड है एक्चुअली। एंड यहाँ पे आप जितना का सारा ट्रे कोस्टर जो सब देख रहे हैं ना, ये सब नीम वुड का है, प्योर नीम वुड का है। ये माइक्रोवेवेबल है। वो जो अभी चॉपिंग प्लेट आप लोगों को दिखाई, ये एक एक चॉपिंग प्लेट एक्चुअली 2000 रुपीज़ का था। और ये जो सब किचन का जो लैडल है या स्पैचुला है, ये सब नीम वुड का है, प्योर नीम वुड का है। और बेलना भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, बेलना भी नीम वुड का है। यहाँ से दो कोस्टर एक्चुअली हस्बैंड ने खरीदे हमारे घर के लिए। और जो बेडशीट का स्टॉल मैंने आप लोगों को दिखाई ना, उसमें से भी मैंने दो बेडशीट खरीदी और कुछ कुछ सामान हम लोग खरीदे। इसका हॉल में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगी। ये जो एग्जीबिशन स्टॉल्स हमारे कैंपस में लगा था उसमें से मैं क्या क्या खरीदी। सो अभी बोलने से तो सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा। अभी आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जे मैं क्या क्या शॉपिंग की। सच में आज ऐसा एक दिन है, हम लोगों को पहले से आइडिया नहीं था कि स्टॉल लगने वाले हैं। अचानक जब कोई सरप्राइज़ मिल जाता है तो मन गार्डन गार्डन हो जाती है, राइट। सो और मन को खुश रखना बहुत ज़रूरी है,
आदित्य आप लोगों को दिखा रहे हैं। हम लोग मेडिसिन स्टोर गए थे, मैं एक मेडिसिन खरीदी और वो कुछ कुछ वहाँ से खरीदे। सो लास्टली मैं आई हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी कि 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी देखने के लिए। एकदम वो लोगों ने सब कुछ बंद बंद करके जाने वाले थे, तो मैं जब शॉप में आई वहाँ से एक ईयरिंग खरीदी। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कैसा वाला ईयरिंग है, क्या मैंने खरीदी, और बहुत अच्छा लगा। इसमें से कुछ ब्रेसलेट था जो मुझे पसंद आया था बट मैंने उसको खरीदी नहीं। बहुत सुंदर कलेक्शन है इन लोगों के पास, बट बहुत सेमी प्रेशियस स्टोन का ये वाला सब नेकलेस है जो आप लोगों को तो एक ग्लांस में दिखा रही हूँ। ये बहुत कॉस्टली है एक्चुअली। द लोएस्ट प्राइस ये स्टार्ट हुआ था 500 रुपीज़ से एंड द हाईएस्ट प्राइस था लगभग 5000 रुपीज़ तक। ये ऑर्डिनरी स्टोन्स नहीं है, ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स का है, जेट का है एंड ऑल दिस। बहुत बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। आशा करती हूँ आप लोगों को भी मज़ा आ गया होगा। अच्छा लगा डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल एंड आप लोग मेरे साथ बने रहना, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर मेरे साथ देना। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेके मैं फिर हाजिर होंगी बहुत जल्द। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, वेट कीजिएगा मेरे चैनल में वो वीडियो अपलोड होने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।